हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाया था बर्ड फूड के ऊपर, सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो मुझे बहुत लोगों से क्वेरीज आई थी कि हमारे बर्ड्स कैरेट नहीं खाते, हमारे बर्ड्स दूसरी ग्रीन चीज़ें नहीं खाते जैसे ब्रोकली, या फिर कुछ बर्ड्स स्प्राउट्स नहीं खाते हैं, सिर्फ वीट खाते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है उसके लिए कि वो हम सब सब चीज़ें उनको कैसे दें और हमारा जो फूड है सॉफ्ट फूड वो एकदम क्विकली कैसे बने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिया है स्प्राउटेड मूंग एंड मोठ, स्प्राउटेड वीट, बीट, कैरेट, ब्रोकली, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, कॉर्न, और थोड़े से अलग अलग तरह के बीन्स, मटर और टिंडोरी। तो ये सब चीज़ों को मैं साफ करके तैयार करके रखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इजीली कैसे बनाएंगे ताकि उनको पता भी चले और सब न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब क्लीन कर लिया है, सबके स्किन निकाल दी है, उसको कट कर लिया एक जितने पीसेस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब चीज़ें, तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ चीज़ें एक मिक्सचर में डाल दी है जिसमें चटनी अटैचमेंट होता है उसमें, और मैं इसको क्विकली ज़रा सा घुमाऊंगा ताकि ये सब चीज़ 1 मिनट में, मतलब कुछ सेकंड्स में एक्चुअली ग्राइंड हो जाए और एक छोटे छोटे पीसेस से बन जाए। मैं इसे घुमाता हूँ। इसे ग्राइंड करता हूँ बराबर से। बस मुझे 2 बार घुमाना पड़ा, एकदम फाइन पीसेस में कन्वर्ट हो गया। तो बस ऐसे मैं बाकी का भी करता हूँ। तो अब सेकेंड टाइम में मैं इसमें मूंग स्प्राउट्स भी डाल रहा हूँ और बाकी सब चीज़ें वापस डाल रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं मोटा रखूँगा ताकि थोड़ा अलग अलग साइज़ के पीसेस मिले बर्ड्स को, तो उनको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं थोड़े से मोटे पीसेस रखे, अपने सब चीज़ को मिक्स कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा फूड रेडी है। इसमें हम और चीज़ें डालेंगे बर्ड्स को जब उनको सर्व करेंगे, तो बिलीव कीजिए ये पूरा वो लोग खा जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ उसके थोड़े से सूखे पार्ट रह जाते हैं, जैसे वो लोगों ने पूरा उसे ख़त्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने उसके ऊपर स्प्राउट्स और उगे हुए वीट डाल दिए हैं। अब मैं इनको सर्व डालता हूँ उनके बाउल्स में। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब उनके बाउल्स में और फूड ट्रेस में डाल दिया है। मैंने थोड़े से वेजिटेबल एक्स्ट्रा चॉप किए क्योंकि मेरे पास कॉर्न्यूज़ है, येलो साइडेड कॉर्न्यूज़, तो उनके लिए मुझे थोड़े से बड़े पीसेस रखने रहते हैं वेजिटेबल्स के, ये मैं उनके बाउल में भी डाल देता हूँ क्योंकि उनको थोड़ा च्यूई थिंग्स अच्छी लगती है। ये सब है, प्लस जो अपने मैंने ये जो फूड बनाया था उसको मैं थोड़ा सा स्क्वॉश करके डालता हूँ अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा लिक्विड रह जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल दिया। तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो लिक्विड है ये भी न्यूट्रिशियस है उनके लिए, तो आप ये आपके ब्राउन ब्रेड है या रस्क है उसके ऊपर डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके वो अलग से दे सकते हैं, तो ये भी उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अब इसमें मैं थोड़े सीड्स डालूंगा। हाँ, तो मैं अभी इसके अंदर सीड मिक्स डाल रहा हूँ सब में, थोड़ा थोड़ा कॉर्नियोज को थोड़ा कम और बजरी का इसके लिए थोड़ा ज्यादा, तो कॉर्नियोज के लिए थोड़ा कम। जो ऑरेंज ट्रे है वो कॉर्नियोज के लिए है। अब मैं थोड़ा सा सनफ्लावर सीड्स डाल रहा हूँ, ये ठंडी का सीजन है तो उनके लिए अच्छा रहता है। और ये हमारा फूड रेडी है। तो मैं एक और पिक भी आपके शेयर करूंगा कि ये शाम को कितना बचता है इनके इसमें से जो मैं उनको सर्व कर रहा हूँ, आपको आइडिया आएगा कि उनको कितना पसंद आता है ये फूड।
ये वीडियो के आखिर में रहेगा पूरा। देख वीडियो देखना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थम्स अप दीजिए ताकि मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि क्या बचा है सॉफ्ट फूड में से, तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 1/4 क्वांटिटी जो उनको दिया था उसमें से बचा है। ये कॉर्न्यूर का फूड है, तो ये लोगों ने थोड़ा अपना फूड छोड़ा है क्योंकि वो पूरा अच्छे से नहीं खाते, वो ज़्यादा वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। पर अगर आप ये बाउल देखें तो ये 1/4 रह गया है, और ये बजीज का ये 3 बाउल्स है, तो ये भी इन्होंने फिनिश कर दिया है। अमूल से 1/4 रह गए, थोड़े सीड्स और थोड़े हस्क रह गए और थोड़ा कचरा रह गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा फूड है, अच्छा तरीका है फूड बनाने का, और बजीज को भी अच्छा लगता है, बर्ड्स को अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी ट्राई कीजिए, और ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थम्सअप जरूर दीजिए, और बेल आइकन प्लीज़ दबाइए तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।